जीशॉक पे आपने YouTube पर 50 वीडियो देख लिया, लेकिन अभी तक आपको समझ नहीं आया कि जीशॉक करते कैसे हैं, जीशॉक में होता क्या है, तो अब आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। सबसे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि जीशॉक होता क्या है और किस तरीके से आप ईयर 2023 पर आराम से जीशॉक क्रैक कर सकते हो। और ये वीडियो यूट्यूब पर जीशॉक के ऊपर मोस्ट सफिशियंट और मोस्ट डिटेल्ड वीडियो होगा। जीशॉक का फुल फॉर्म होता है गूगल समर ऑफ कोड, यानी कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ये एक ऐसा कोडिंग कंपटीशन है जिसमें कि गूगल ढेर सारे ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको फंड करता है। आपको जीशॉक में पार्टिसिपेट करने के लिए एक एप्लीकेशन डालना पड़ता है और अगर आप जीशॉक में सिलेक्ट हो गए तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा जिस पर आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा जिस पर आपको 2 या 3 महीने तक काम करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल इंटर्नशिप के तरह है, जैसे आप इंटर्नशिप में 5-6 महीने काम करते हैं वैसे ही आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2-3 महीने काम करना पड़ेगा। ये कोई इंटर्नशिप नहीं है लेकिन इंटर्नशिप के जैसा है। तो 2-3 महीने काम करने के बाद आपको 1.5-2 लाख रुपए एज अ प्राइज मनी मिल जाएगा। तो ये होता है पूरा छोटा सा जीशॉक का इंट्रोडक्शन। लेकिन अगर मैं डेप्थ में जाऊँ तो जीशॉक में पार्टिसिपेट करना एक बहुत बड़ा खेल है। जीशॉक में पहले ऑर्गेनाइजेशन चुनना, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन डालना और आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाना, ये जो प्रोसेस है ना यही जीशॉक का सबसे टफ प्रोसेस है क्योंकि लोगों के एप्लीकेशन सिलेक्ट नहीं होते। अब अगर मैं स्टेप वाइज बताऊँ तो जीशॉक में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सबसे पहले गिटहब चलाना आना चाहिए। अब गिटहब चलाना क्यों आना चाहिए? गिटहब चलाना इसलिए आना चाहिए क्योंकि जो जीशॉक प्रोग्राम होता है वो पूरा ओपन सोर्स प्रोग्राम होता है और ओपन सोर्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब गिटहब में लिस्टेड होते हैं। तो गिटहब से ही आपको प्रोजेक्ट्स में काम करना है, गिटहब से ही आपको प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना है, इसीलिए गिटहब चलाना आपको आना चाहिए। अब अगर आपको गिटहब चलाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर जाकर कोई भी अच्छा सा ट्यूटोरियल देख सकते हैं गिटहब के ऊपर और आपको गिटहब चलाना आ जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशंस करना। अब कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं? जब आप गिटहब चलाना सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हर गिटहब रिपोजिटरीज में कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ बग्स होते हैं। और जब आप खुद से कुछ बग्स या कुछ इश्यूज को सॉल्व करते हो और उस रिपोजिटरी में पुल रिक्वेस्ट डालते हो और जो उस रिपोजिटरी का मेंटेनर है वो उस पुल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि वो जो इश्यूज है उसको आप सॉल्व कर देते हो, तब आप कह सकते हो कि हाँ आपने एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया है। तो ऐसे ही आप जितने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस पर इश्यूज को सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूशंस होता जाएगा। थर्ड स्टेप आता है कि कंट्रीब्यूशंस करना कहाँ है। कंट्रीब्यूशंस आपको उन्हीं रिपोजिटरी में करना है, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में करना है जो कि जीशॉक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप वेबसाइट पर आ जाओ जीशॉक के, तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले लिस्ट आ जाता है होम पेज का हाउ इट वर्क्स। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेज है वो होगा ऑर्गेनाइजेशन वाला पेज। तो सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन वाले पेज को ओपन करेंगे तो यहाँ पर 2022 में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जीशॉक पे पार्टिसिपेट किए थे वो सारे लिस्टेड हो गए हैं। तो यहाँ अगर मैं लिस्ट पर आकर देखूँ तो टोटल 198 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि जीशॉक पर पार्टिसिपेट किए थे 2022 में। तो चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं कि यही ऑर्गेनाइजेशन 2023 में भी पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि नए ऐड होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि एक्सक्लूड हो जाते हैं, तो उसको लेकर चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सोचेंगे कि भैया यही जो 200 ऑर्गेनाइजेशंस है यही अगले साल भी यही काम आने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक टेक्नोलॉजी जानना होगा। अब टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी ये होता है कि जब आप कोडिंग में कोई भी नई चीज़ सीखते हो, जैसे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख रहे हो, जैसे कि वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, जैसे कि रिएक्ट सीख रहे हो, जैसे कि नोड जेएस चलाना सीख रहे हो, जैसे कि जावा एचटीएमएल से वेब पेज बनाना सीख रहे हो, तो ये जो सारे चीज़ें हैं ना ये सबको टेक्नोलॉजीज कहते हैं। जैसे कि आप मशीन लर्निंग सीख रहे हो तो ये सब होता है टेक्नोलॉजी। तो आपको कोई एक टेक्नोलॉजी जानना होगा अच्छे से। अब मुझे एंड्रॉयड आता है, मैं एंड्रॉयड का बंदा हूँ, आप लोगों को पता ही होगा जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पर जाकर ऑर्गेनाइजेशंस पेज में जाकर यहाँ पर मैं सबसे पहले टाइप कर दूंगा एंड्रॉयड। अब देखिए यहाँ पर 30 रिजल्ट्स आ गया, यानी कि जो 100 जो कंपनीज हैं जो कि जीशॉक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें से 30 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो है हमारे एंड्रॉयड के ऊपर। अब यहाँ तक अगर आपने कर लिया ना तो मतलब आपका 20% जीशॉक क्रैक हो गया। अब आपको क्या करना है कि जो 30 ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड हुए हैं उसमें से सबसे पहले वाले में आपको राइट क्लिक करना है और ओपन इन न्यू टैब कर देना है। अब न्यू टैब में मेरा चालू हो गया है अंकी ड्रॉयड, ठीक है। अब अंकी ड्रॉयड पर मैं आ गया हूँ तो
सबसे पहला मेरा जो काम है वो होगा अंकी ड्रॉइड का गिटहब पे जाना, क्योंकि जीसॉक का मतलब ही है गिटहब, ठीक है। गिटहब से जीसॉक शुरू होता है और गिटहब से ही ख़त्म हो जाता है। तो अंकी ड्रॉइड का जो गिटहब रिपोजिटरी है और कंट्रीब्यूटर गाइडलाइन, क्योंकि भैया हमको कंट्रीब्यूट करना है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो कंट्रीब्यूटर गाइडलाइन भी पढ़ना पड़ेगा, तो ठीक है। तो ये भी हम न्यू टैब में खोल के रख लेंगे। तो ये मैं आ गया हूँ अंकी ड्रॉइड के गिटहब रिपोजिटरी में। अब मैं आपको इशूज़ के बारे में बता रहा था सबसे पहले, तो अब आपको क्या करना है कि ये जो अंकी ड्रॉइड का जो आप गिटहब रिपोजिटरी खोल लिए हो, अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले जाना है इशूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर 333 इशूज़ हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, लेवल ऑप्शन में जाना है, और लेवल ऑप्शन में जाकर यहाँ पर आपको खोज लेना है कि गुड फर्स्ट इशूज़ कहाँ पर है। ये रहा गुड फर्स्ट इशूज़। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में 333 इशूज़ है, लेकिन आप कोई भी इशूज़ में जाकर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का आपको कोड बेस नहीं पता है, इस ऑर्गेनाइजेशन करता क्या आपको ये सब नहीं पता है, इस ऑर्गेनाइजेशन का कोड कितना कॉम्प्लेक्स है आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आपको सबसे पहले जाना है गुड फर्स्ट इशूज़ में। अब गुड फर्स्ट इशूज़ वो इशूज़ होते हैं जो कि ईजी होती हैं, जो कि कोड में ईजिली समझ में आ जाता है कि करना क्या है। तो सबसे पहले आप गुड फर्स्ट इशूज़ में जाओ और जो भी इशूज़ आपको पसंद आता है उस पर क्लिक कर लो, ठीक है। क्लिक करने के बाद जब वो इशूज़ खुल जाता है तो यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हो कि बहुत सारी बकचोदियाँ चल रही हैं लोगों की। तो यहाँ पर आप बिल्कुल नीचे तक स्क्रोल करना है। स्क्रोल करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे तक स्क्रोल करना है। सबसे नीचे तक जाकर आपको बस लिख देना है कि आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस इशूज, प्लीज असाइन मी दिस इशू, ठीक है। आपको बस जाकर जो भी इशूज में आपको काम करने का मन है वहाँ पर जाकर आपको लिख देना है आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस इशू, प्लीज असाइन मी दिस इशू करके आपको कमेंट कर देना है। अब क्या होगा कि जो भी मेंटेनर इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो आपको ये इशू असाइन कर देंगे और कहेंगे कि ठीक है भैया आप कर लो इस इशू पे काम। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक इशू असाइन हो गया है, अब आपको इस कोड को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना है और रन करना है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि कोड को डाउनलोड करके रन कैसे करें। अब अगर आप एंड्रॉयड सीखे हो, एंड्रॉयड जानते हो, तो आपको पता होगा कि एंड्रॉयड का जो प्रोजेक्ट है वो एंड्रॉयड स्टूडियो में चालू होता है और एंड्रॉयड स्टूडियो में कैसे क्लोन करते हैं ये सब आपको पता होगा अगर आप एंड्रॉयड जानते हो। अगर आप वेब वाले बंदे हो तो आपको वेब का तरीका पता होगा, अगर आप एंड्रॉयड वाले बंदे हो तो आपको एंड्रॉयड का तरीका पता होगा। गिटहब सीख लेना, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो गिटहब अगर आप सीखे हुए हो तो आपको पता होगा कि कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गिटहब रिपोजिटरी है उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग तरीका होता है, तो यहाँ पर एक इंस्टॉलेशन गाइड भी दिया आपको मिल जाएगा, वो देखकर आप आराम से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी रिपोजिटरी को अपने कंप्यूटर में क्लोन कर सकते हो। क्लोन कर आप इशूज को सॉल्व कर दो और जो असाइन हो गया इशू वो आप इजीली क्लियर कर लोगे। तो अंकी ड्रॉइड ऐसे आपने देख लिया कि हाँ अंकी ड्रॉइड अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में इस पे काम किया जा सकता है। अब आपको क्या करना है कि अंकी ड्रॉइड से बाहर निकल जाना है, सारे टैब को क्लोज कर देना है। अब आपने अंकी ड्रॉइड देखा, अब इसी तरीके से आपको रोबो इलेक्ट्रिक देखना है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको ओपन इन न्यू टैब करना है और देखना है कि रोबो इलेक्ट्रिक में क्या चल रहा है। तो वैसे ही जाएंगे रोबो इलेक्ट्रिक डॉट ऑर्गेनाइजेशन में और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने गिटहब नहीं लगा के रखा है, यहाँ पर इन्होंने अपना एक वेबसाइट दे रखा है। अब आप बोलोगे कि भैया आप तो कह रहे थे कि सारा काम गिटहब से होता है और यहाँ पर तो गिटहब है ही नहीं। तो भैया गिटहब नहीं है तो गिटहब खोज लो ना, यहाँ पर देखो ना कहाँ मिलेगा आपको गिटहब। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आ गया मेरा गिटहब प्रोजेक्ट नाम का लिंक। तो यहाँ पर बस लिंक पर क्लिक करेंगे और मैं आ गया गिटहब पर। तो ऐसे ही आपको ये जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी है ना, ये कोई करके नहीं दिखाता है, क्योंकि जब मैं कर रहा था 2022 में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था भैया गिटहब खोजना, एक वेबसाइट खुल गया अब क्या करें। अब मैं ब्लैंक हो गया, अब मैं सोचा कि भाई रोबो इलेक्ट्रिक को छोड़ देते हैं यार, इसमें तो गिटहब पेज नहीं दे रखा है, मैं करूँगा कहाँ से। लेकिन ये जो टेक्निक है ना कि भाई किसी भी वेबसाइट से आपको गिटहब पे जाना, ये कोई नहीं बताता यार, यूट्यूब पर ये कोई नहीं बताता है। तो ऐसे ही आपको जाना है रोबो इलेक्ट्रिक के इशूज पेज पर। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 450 इशूज़ हैं। अब ज़्यादा इशूज़ होंगे तो आपको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा चीज़ मिलेगा। अब यहाँ पर आप लेबल में जाकर गुड फर्स्ट इशूज़ देख लो। तो ऐसे करके आपको एक एक करके जितना भी इंटरेस्ट में आपका ऑर्गेनाइजेशन आता है, जैसे कि 30 आ रहे हैं एंड्रॉयड में, उन सारे ऑर्गेनाइजेशन को छान लेना है, उन सारे ऑर्गेनाइजेशन को लिख देख लेना एक बार और एक नोट पैड बना लेना और उस पर आप नोट करते जाना कि इनकी ड्रॉइड पे
आपने चेक किया अंकित ड्रॉट पे 330 इश्यूज है और अंकित ड्रॉट पे गुड फॉर इश्यूज भी हैं। ऐसे ऐसे करके हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पॉइंट्स बना लो, कुछ अच्छे एडवांटेजेस बता लो, कुछ डिसएडवांटेजेस बता लो। उसके बाद जब आप 300 ऑर्गेनाइजेशन को एक बार देख लोगे, 300 ऑर्गेनाइजेशन को एक बार जान लोगे, उसके बाद 3-4 ऑर्गेनाइजेशन ऐसा निकल के आएगा जो कि कंट्रीब्यूट करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होगा। तब आपको उसी ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रीब्यूट करना है और उसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना है एज अ अपना जीसॉक का ऑर्गेनाइजेशन। अब आप बोलोगे कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बुरा है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चुनना ही जीसॉक का 50% काम होता है। अगर आपने ढंग का ऑर्गेनाइजेशन चुन लिया तो 50% जीसॉक आपका वही क्रैक हो जाता है, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन चुनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हर ऑर्गेनाइजेशन को खोल खोल के देखना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए बेटर है। अब बेटर ऑर्गेनाइजेशन कैसे चुनना है, बेटर ऑर्गेनाइजेशन कैसे जानना है, ये कोई नहीं बताता यूट्यूब पर, ठीक है? अब बेटर ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं ये मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव होना चाहिए। अब एक्टिव का क्या मतलब है कि अगर मैं कोई इश्यूज़ पे गया और मैंने टाइप किया कि आई वांट टू वर्क ऑन दिस इशू, प्लीज़ असाइन मी दिस इशू, अब उसका जो मेंटेनर है वो 2 दिन के अंदर आपको इशूज़ को असाइन कर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है कि 2 दिन के अंदर ही मेंटेनर आपको इश्यूज़ असाइन कर दे रहा है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं, कुछ रिपोजिटरी ऐसे होते हैं कि आपने आज लिख दिया कि आई वांट टू वर्क ऑन दिस इशू, प्लीज़ असाइन मी दिस इशू, और 2 हफ्ते बाद रिप्लाई आ रहा है कि आप इस इशू पे काम कर सकते हो, ओके आई एम असाइनिंग यू दिस इशू। 2 हफ्ते तक तो आप बैठे हुए हो खाली, ठीक है? 2 हफ्ते तक आपके पास कोई काम नहीं करने के लिए, जीसॉक आ रहा है 3 महीने बाद और 2 हफ्ते आप खाली बैठे हो, भैया कोई काम ही नहीं है मेरे पास, कोई इशू असाइन ही नहीं हो रहा आपको, ठीक है? तो इसीलिए आपको ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ढूंढना है जो कि एक्टिव, जिसमें कि आप डाल रहे हो रिक्वेस्ट असाइन करने की और 1-2 दिन के अंदर ही इशू असाइन हो जा रहा है, 1-2 दिन के अंदर ही आपको रिप्लाई आ जा रहा है इशू पे। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चुनना है जो कि एक्टिव हो, ठीक है? ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा पॉइंट होता है, सबसे बड़ा क्वालिटी होती है कि वो एक्टिव हो, ठीक है? पहला पॉइंट हो गया कि वो एक्टिव होना चाहिए, सेकंड पॉइंट हो गया कि उसमें इश्यूज बहुत सारे होने चाहिए। अब अगर 300-400 इश्यूज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको इश्यूज पे काम करने के लिए ज़्यादा इश्यूज मिलेंगे, आपको ज़्यादा मौका मिलेगा कि आप ज़्यादा इश्यूज पे काम करें। जो ज़्यादा इश्यूज पे काम करेगा उसको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे कि वो जिसको क्रैक कर ले, ठीक है? बिल्कुल क्रोनोलॉजी है भैया, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो ज़्यादा इशूज़ होने चाहिए, गुड फर्स्ट इशूज़ ज़्यादा होने चाहिए। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि 500 इशूज़ है लेकिन उन्होंने लेबल ही करके नहीं रखा है कि कौन सा गुड फर्स्ट इशू है, उन्होंने बताया नहीं रखा कि कौन सा इशूज़ पे काम करने से जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, कौन सा जो बिगनर्स लेवल इशूज़ कौन कौन सा है उन्होंने लेबल ही करके नहीं रखा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रीब्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब जो कुछ पॉइंट्स है ना, इससे आपको डिटरमाइन करना है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन पर, कौन से रिपोजिटरी पर आपको कंट्रीब्यूट करना है। कि अगर आपने अपना बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन चुन लिया, क्योंकि बहुत जन मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखे हैं कि 2-3 महीने लग कर आप खोजते हैं लेकिन उनको ढंग का ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलता और लास्ट में गिवअप कर जाते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं चुन पा रहे हैं और इसीलिए गिवअप कर जा रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं क्लास के, कॉलेज के जो दोस्त हैं, वो मुझे कह रहे थे कि भैया मुझे तो अपने पसंद अपने टाइप का ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं मिल रहा, तू कैसे खोज रहा है, मैंने 50-50 टैब खोल खोल के देख लिए, मुझे कुछ ढंग का समझ में नहीं आ रहा। तो ऑर्गेनाइजेशन चुनना एक बहुत बड़ा पार्ट है जीसॉक का, जो कि कोई नहीं बताता है यूट्यूब पर, ठीक है? जो कि कोई नहीं ऐसे हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके कोई नहीं समझाता है कि जीसॉक पर ऑर्गेनाइजेशन कैसे चूज करते हैं। अब सेकंड स्टेप क्या होता है कि आप 2 या मैक्सिमम 3 ऑर्गेनाइजेशन देख लो जिस पर आपको कंट्रीब्यूट करना है, जिस पर आप सोच रहे हो कि भैया हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है कंट्रीब्यूशन के लिए, 2-3 ऑर्गेनाइजेशन से आप चुन लो और तीनों में ट्राई करो कंट्रीब्यूट करने का। अब क्या होगा जब आप 3 में ट्राई करोगे ना कंट्रीब्यूट करने का, तो उसमें से एक में ही आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा कंट्रीब्यूट करने में, एक में ही ऐसा लगेगा कि हाँ फटाफट से रिस्पॉन्स आ रहा है, फटाफट से असाइन हो रहा है, फटाफट से इशूज में सॉल्व करते रहो। ये तो आपको जब 3 में आप कंट्रीब्यूट करोगे ना तो कोई एक ऐसा निकल के आएगा जो कि आपको लगेगा कि ये बेस्ट है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन पे घुस जाना है आपको, ठीक है? उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रोजेक्ट्स पढ़ने हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रीवियस जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सब पढ़ लो, प्रीवियस जो प्रपोजल्स हैं, प्रीवियस जो एप्लीकेशंस हैं वो सारे पढ़ लो जीसॉक के, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन को ना चूस लो पूरा, ठीक है? ताकि जब एप्लीकेशन डेट आएगा तो आपका जो प्रपोजल है, आपका जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल बेस्ट हो। अब जो प्रपोजल होता है, अब जो एप्लीकेशन होता है वो कैसा होता है, वो हर ऑर्गेनाइजेशन
का अलग अलग होता है, क्योंकि जो प्रपोजल होता है वो आपको परफेक्टली किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक रिपोजिटरी के लिए बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप एज अ होल जीसॉक के लिए एक एप्लीकेशन डाल दो और जीसॉक वाले जो गूगल के जो बंदे हैं वो बोलेंगे कि भैया हाँ बहुत ही सेक्सी सा बनाया, बहुत ही सुंदर सा प्रपोजल बनाया, इसको ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग एप्लीकेशन होता है और एक बंदा तीन एप्लीकेशन डाल सकता। मतलब अगर आपको अंकित डॉट का किसी एक प्रोजेक्ट में काम करना है, किसी एक प्रोजेक्ट आपको पसंद आ गया है, तो अंकित ड्रॉइड के लिए आपको एक प्रपोजल बना के डालना पड़ेगा और अंकित ड्रॉइड के जो बंदे हैं वो चेक करेंगे आपका प्रपोजल। अगर आपको ओपिया का प्रोजेक्ट करना है तो ओपिया में आपको देखना पड़ेगा, आपको ओपिया के ही लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप प्रीवियस प्रपोजल देख सकते हो और उस तरीके से आपको ओपिया के लिए एक प्रपोजल डालना पड़ेगा। तो एक बंदा तीन प्रपोजल डाल सकता है। तो आपने तीन ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया, मैंने आपको कहा था तीन पे काम करना, तो तीन में आप काम किए हो तो आप तीनों में प्रपोजल डाल दिए। लेकिन मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन पर आप बहुत दम लगा के काम करो और एक ही ऑर्गेनाइजेशन का एक ही प्रपोजल बनाओ जो कि बेस्ट हो। तो ऐसे करके जब आप प्रपोजल डालते हो तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये होता है जीसॉक का पूरा नेचुरल प्रोसेस। मेरी स्टोरी में बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं 2022 में बहुत दम लगा के पार्टिसिपेट किया था। मैंने YouTube पे पूरा छान दिया था कि भैया कोई भी एक जीसॉक का थोड़ा सा भी ट्यूटोरियल हो, थोड़ा सा भी गाइड हो, मुझे चाहिए। पूरा मैंने सब देख लिया, देख वेख के पूरा अच्छा सा प्रपोजल वगैरह बना के डाला, लेकिन मेरा नहीं हुआ जीसॉक। अब क्यों नहीं हुआ, इसका बहुत ही तगड़ा कारण था क्यों नहीं हुआ, ये भी मुझे पता है क्यों नहीं हुआ। क्योंकि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा था विकीमीडिया पर, मैंने एक ही ऑर्गेनाइजेशन पर कंट्रीब्यूट किया था और विकीमीडिया पर मैं कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो मैंने क्या किया, मैं 11 कंट्रीब्यूशन टोटल कर लिया था एप्लीकेशन आने के पहले पहले तक। 11 मेरे जो पुल रिक्वेस्ट थे वो मर्ज हो गए थे, तो मैं आराम से प्रपोजल बनाया कि मैंने 11 इशूज को सॉल्व किया है, मैं ये कर सकता हूँ आपके ऑर्गेनाइजेशन। वो देखते हैं कि कौन सा बंदा कितना दिन से काम कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन पर, कौन सा बंदे को आपका जो कोड बेस है वो अच्छे से पता है, वो ये देखते हैं कि अगर आपको अच्छा सा पता है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करता है, उनके ऑर्गेनाइजेशन का कोड आपको अच्छे से पता है, तो वो आपको ले लेंगे। अब मैंने 11 इशूज सॉल्व करके रखे थे, तो मुझे लगा कि भैया मुझे तो बहुत अच्छा आता है, मैंने तो बहुत सारा कोड देख लिया इनका, मुझे तो सब अच्छा से समझ में आता है, तो मैंने डाल दिया प्रपोजल। अब मैंने जैसे ही प्रपोजल डाला, मैंने नीचे सेकंड नंबर पर देखा कि एक और बंदा प्रपोजल डाल रखा है विकीमीडिया पर, तो मैंने उसका खोल के देखा तो उसने 35 इशूज कर रखे थे। 35 मतलब मेरे 11 इशूज है, उसके 35 है। मेरे 11 इशूज मैंने 3 महीने में किए थे, ऐसे ही मैं भी दिसंबर जनवरी पे शुरू किया था, मार्च तक आते आते मैंने 11 इशूज कर दिए थे और उसके मैंने देखा 35 इशूज है। मेरा तो दिमाग वही ख़राब हो गया कि भैया ये 35 इशूज़ है, इसको लेगा बंदा, मुझे क्यों लेगा, ठीक है 35 इशूज़, अब ये इतना जल्दी 35 कर कैसे लिया। तो मैंने उसका गिटहब रिपोजिटरी में पूरा छान चुन के देखा, मुझे अभी भी उसका नाम तक याद है, आयन दास नाम का कोई बंदा था, ठीक है आयन दास। तो मैंने उसका गिटहब रिपोजिटरी में करके देखा तो मुझे पता चला कि 1 साल से ये बंदा विकीमीडिया पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। लो भैया लो, क्योंकि ये भी जो बंदा है 2021 में ट्राई किया था, आयन दास जो बंदा था 2021 में विकीमीडिया पर ट्राई किया था और तब उसका हुआ नहीं था। तो उसने क्या किया, 2021 से 2022 तक 1 साल विकीमीडिया पे ही कंट्रीब्यूट किया है। बहुत ही ज़्यादा, मतलब दिमाग का बहुत ही ज़्यादा तेज बंदा था कि 1 साल तक उसने उसी पे कंट्रीब्यूट करता रहा 35 इशूज सॉल्व करते 1 साल में। अब आप ही सोचो, कोई बंदा 35 इशूज सॉल्व करके आया है विकीमीडिया के पास और एक बंदा 3 महीने में 11 इशूज सॉल्व करके आया, तो किसको लेगा, 35 इशूज वालों को ही लेगा ना, तो उसको ले लिया। अब यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा अनलक्की हो गया था, इसीलिए मेरा जीसॉक 2022 नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मेरे साथ कॉम्पिटिशन उस बंदे का हो गया जो कि 35 इशूज सॉल्व कर रहा है, 1 साल से विकीमीडिया पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मुझे क्या पता था विकीमीडिया पे काम करने के पहले कि ऐसा बंदे के साथ मेरा कंपटीशन हो जाएगा जो कि 1 साल से कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर जीसॉक में लक फैक्टर भी ऐसा आता है कि ऐसा नहीं है कि बस आपने कर दिया और आपका हो गया, क्योंकि आपका कंपटीशन उस आपके और जो ऑर्गेनाइजेशन पर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपका जो कंपटीशन होगा उसी ऑर्गेनाइजेशन के बाकी बंदों के साथ होगा। तो अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन पर 15 इशूज सॉल्व कर दिए हैं तो आपसे ज़्यादा कोई इशूज सॉल्व ना करे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये आप ध्यान रख नहीं सकते हो, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पर आकर कोई भी बंदा कभी भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो यहाँ पर लक फैक्टर आ जाता है, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है लक फैक्टर जीसॉक में, कि आपका कॉम्पिटिटर आपसे कम इशू सॉल्व कर रहा हो,
इसीलिए मैं यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी आप शुरू करो, फटाफट से मतलब इश्यूज़ पे लग जाओ, सटासट ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज़ को सॉल्व करो, ताकि आपका जो चांसेस है वो बढ़ता रहे। जो मेरी मैंने स्टोरी बताई है उससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, उससे सीख सकते हो। जो पूरा मैंने अभी प्रोसेस बताया ना, उसको ध्यान से देखना, समझना, बार बार देख लेना, वीडियो को 2-3 बार देख लेना, तब क्या आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा हूँ मैं, और बहुत ही ज़्यादा डिटेल रखा हूँ, इनसाइट्स दे जिसों का जो कि कोई नहीं बताता है, इतना अंदर डीपली, इतना अंदर ग्रास रूट लेवल पर चीज़ें कोई नहीं बताता है यूट्यूब पर। मैं बताता हूँ, मेरा आदत है, आपने अगर मेरे चैनल को फॉलो किया तो आपको पता ही होगा कि मैं कितना ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाता हूँ। तो बस यही है जीसो का पूरा गाइड, ठीक है, पूरा ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो मैंने कहा है, स्टेप बाय स्टेप जो मैं टाइम स्टेप डाल दूंगा, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल फॉलो करना, जीसो हो जाएगा आपसे। लक फैक्टर थोड़ा सा 10% चांस रखता है, बाकी 90% आपका हार्डवर्क है, 50% काम है ऑर्गेनाइजेशन ढूंढना, 40% काम है उसको इशूज़ को फटाफट से करना, ठीक है। 50% जो ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने का काम है उसको अच्छे से मैंने समझा दिया, 40% जो खुद मेहनत का काम है वो आपको करना है, 40% मेहनत का काम है इश्यूज़ को सॉल्व करना, आपका मेहनत का काम है वो आप करना, ठीक है। मेरा मेहनत का काम मैंने 50% कर दिया है, बाकी 40% आपका है, और जो 10% बचता है लक फैक्टर वो भगवान के ऊपर है, तो भगवान देख लेंगे उसका, ठीक है। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय। आज का वीडियो बस यहीं तक रखेंगे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय।